जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 61, 62, 63, 64, 65 पर चर्चा करेंगे। तानि सर्वाणि सम्यस् युक्त आसीत मत पर वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी इंद्रियों को वश में करके और मन को स्थिर करके जो व्यक्ति योग में स्थिर होना चाहिए, उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है, तब वह व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर स्पष्ट कर सकता है और जीवन के सही मार्ग पर चल सकता है। इस श्लोक की सीख यह है कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को ही सच्चे ज्ञान और मुक्ति का अनुभव होता है। दया यतो विषयान पुंस संगतेषु पजायते संगत संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। अर्थात जब कोई व्यक्ति इंद्रियों द्वारा भोगी जाने वाली वस्तुओं पर ध्यान करता है तो वह इन विषयों के प्रति आकर्षण विकसित करता है। इस आकर्षण के कारण उसकी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसको गुस्सा आ जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि यदि हम ध्यान, आत्म नियंत्रण और भगवान की भक्ति पर ध्यान केंद्रित करें तो हम इन सभी मानसिक बाधाओं से बच सकते हैं। क्रोधात भवति समो समोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रमसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणपश्यति। अर्थात क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति में विकृति आती है, स्मृति के बिगड़ जाने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का सारा जीवन संकट में पड़ जाता है। अर्थात हमारे लिए आत्म नियंत्रण और शांत रहना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में अग्रसर कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। राग द्वेष विमेक्ते पशु विषयान इंद्रिय शरण आत्म व्रेयर विदेश आयत्मा प्रसाद मदिम गच्छन्ती। अर्थात जो व्यक्ति राग यानी लालच और नफरत से मुक्त रहता है, अलग रहता है और इंद्रियों द्वारा भोगी जाने वाली वस्तुओं को बिना किसी मोह के स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है, वह आत्मनियंत्रित होता है। ऐसा व्यक्ति शांति और संतोष प्राप्त करता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और नफरतों पर नियंत्रण रखता है और अपनी इंद्रियों को संतुलित तरीके से उपयोग करता है तो उसे इस प्रसाद की अवस्था का अनुभव होता है, अर्थात आनंद और शांति की स्थिति का अनुभव होता है। प्रसादे सर्वा दुखानां हानिर्स्योपजायते प्रसन्न चेतसो हैषु बुद्धि प्रवतिष्ठते। जब व्यक्ति के मन में प्रसाद की स्थिति होती है तो सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते। एक प्रसन्न और शांत मन की स्थिति में बुद्धि स्थिर रहती है। उस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता में कोई विकृति नहीं आती और वह कठिन परिस्थिति का सामना अधिक सहजता से कर सकता है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।